दोस्तों, अगर आप भी अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान, तो मैच के बाद भावुक हो गए राशिद खान, भारत के लिए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत के बीच खेले गए मैच में समापन के बाद कप्तान राशिद खान का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने एक ऐसा भारत को लेकर जारी किया है बयान जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार मैच के समाप्त होने के बाद राशिद खान ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और राशिद खान में कौन महान खिलाड़ी और कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सुपर 8 राउंड का रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बारबाडोस के मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए अफगानिस्तान की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच भारतीय टीम ने 20 ओवर के अंदर 181 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 53 और हार्दिक पांड्या ने 32 रनों का योगदान दिया, तो वहीं फजल हक फारूकी और राशिद खान दोनों ने 3-3 विकेट लिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए जैसे ही अफगानिस्तान की टीम मैदान पर आई तो अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत 3 विकेट 5 ओवर के अंदर मात्र 23 रनों पर गिर गए थे, जिसके चलते टीम दिक्कत में आ गई थी। और ऐसे में अब भारतीय टीम को मिली जीत के बाद राशिद खान ने हैरान कर देने वाला बयान जारी किया, जिसमें अफगानिस्तान की टीम के कप्तान राशिद खान ने बयान देते हुए कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के खिलाफ हमारी टीम के गेंदबाजों ने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि इस मैच के अंदर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने भी कुछ खराब प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने भी बेहतर बल्लेबाजी करते हुए मैच में अफगानिस्तान की टीम को काफी ज्यादा परेशान किया, जो बताता है कि इस मैच में हमारी टीम का किस तरीके का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि इस मैच में हमारी टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद थे और जिस तरीके से हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाफ मजबूती के साथ सामना किया, उसको देखकर ना मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। हालांकि इस मैच में अफगानिस्तान की टीम की तरफ से ज्यादातर खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को उनकी ताकत के बावजूद परेशान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी को बताई कि भारतीय टीम क्यों मजबूत टीम मानी जाती है। हालांकि इस मैच में अफगानिस्तान की टीम का प्रदर्शन खराब तो नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से मुझे अफगानिस्तान की टीम ने अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद थे, उस तरीके का प्रदर्शन भी हमारी टीम के खिलाड़ियों ने नहीं किया है। अगर हमारी टीम के खिलाड़ी इससे भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होती, लेकिन आज के दिन हमारी टीम के खिलाड़ियों के द्वारा किए गए प्रदर्शन से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ जिस तरीके से हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वो आने वाले समय में बाकी की टीमों को एक स्पष्ट संदेश दे चुका है कि ये टीम आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीम को परेशान करते हुए मैच में जीत दर्ज करेगी और भारतीय टीम के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा मैच खेलकर उन्हें बुरी तरीके से हराएगी भी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में मिली हार के असली जिम्मेदार कौन रहे हैं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और क्रिकेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल।